भाई साहब ये बताओ, इंश्योरेंस क्या है? तो आप क्या समझते हो, इंश्योरेंस खर्चा है या इंश्योरेंस जिम्मेदारी है या फिर इंश्योरेंस फालतू की चीज़ है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो ना तो किसी कंपनी ने स्पॉन्सर की है और ना ही मुझे इस वीडियो का कोई पैसा मिल रहा है। थोड़ी सी नॉलेज है, पिछले 12 सालों से इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ और उस थोड़ी सी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दरअसल क्या होता है कि मेरी आए दिन लोगों से मीटिंग होती रहती है, क्योंकि मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और एक बहुत ही रिपोर्टेड इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता हूँ। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि ये इंश्योरेंस बेच रहा हूँ मैं आपको सिर्फ बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ जिसकी वजह से इंश्योरेंस लोग अवॉइड कर देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फैक्ट पता है वो इसको अवॉइड नहीं करते। मेरी मीटिंग में मैंने नोटिस किया है, लोगों को ऐसा लगता है फर्स्ट मीटिंग में या कभी अगर कोई उनसे बोलता है कि आप मेडिक्लेम करवा लो या अपना इंश्योरेंस करवा लो, तो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि यार ये तो फालतू का खर्चा है जो हमें करना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं यार ये जिम्मेदारी अपने सर पे आ जाएगी, इसकी हर महीने किस्त भरनी पड़ेगी। हमारे और भी तो खर्चे हैं, पहले हम उनको निपटा लेते हैं, बाद में मेडिक्लेम या फिर कोई भी इंश्योरेंस है वो करवा लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंश्योरेंस दरअसल क्या होता है, एक रिस्क ट्रांसफर करने वाली चीज है। आज मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, तो मैं पूरा रिस्क अपने सर पे लेके घूम रहा हूँ। वो रिस्क कैसे हो सकते हैं? रिस्क हो सकता है कि मेरी बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, अगर ऊपर वाला ना करे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। मेरी कार का इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी चोरी हो गई, जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। मेरी मेडिक्लेम नहीं है, अगर ऊपर वाला ना करे, मैं बीमार पड़ गया या दुर्घटना हो गई, तो रिस्क किसका है? मेरा है। अगर किसी वजह से और ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई जिसमें मैं ही ना रहूं इस दुनिया में, ऊपर वाला ना करे यार ऐसा हो मेरे साथ, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना पड़ रहा है, अगर ऐसा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो भाई साहब, इंश्योरेंस जो है, ये जितनी भी जिम्मेदारियां मैंने आपको अपनी बताई हैं, ये सारी जिम्मेदारियां इंश्योरेंस कंपनी को मैं ट्रांसफर कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसे दे करके। थोड़े से पैसे मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ वो थोड़े पैसे कितने होते हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी, आज मेरी उम्र जो है वो 32 साल हो गई है, 32 साल की उम्र में अगर मेरी 35 भी होती तो 35 और 32 तक लगभग सभी कंपनियों का एक ही प्रीमियम होता है साल। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम दरअसल जो इंश्योरेंस करवाने के लिए आप कंपनी को पैसा पे करते हो वो प्रीमियम होता है। अगर मैंने किसी कंपनी से अपना हेल्थ का रिस्क ट्रांसफर किया तो उसके लिए मुझे हद से हद 7 से 10 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, वो भी हर महीने नहीं, साल में एक बार। सिर्फ साल में एक बार ये पैसा आपको देना है। और कितना कवर हो जाता है अंदाजा है आपको? पूरे 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का कवर हो जाता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अगर एक बार, सिर्फ एक